एक समय की बात है, एक गांव में साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ। अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे जिससे गांव अपश्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है। बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की।
क्या करूं, वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना, उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान मैं क्या वापस आऊंगा, लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान अब ये क्या मुसीबत है। हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान अब तो शाम होने वाली है, आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है, मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरियां वहाँ रख के जैसे ही जाने लगता है तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहाँ आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना, आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है, कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी, गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ तुमने सही कहा, अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं, अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है, गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहां से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहां से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के काम चोर हैं, बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे, हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।